अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाए। ये तो छोरी है, शेरनी ना ये, सवा शेरनी है ये। छोरी तू बहुत बहादुर है और इस मामले में तने घना एप्रिशिएट करूं मैं। भाई लाले, इसको तो वो मिलना चाहिए, वीरवाणी का पुरस्कार। अरे छोरी, इसी के बात है, घबरा क्यों रही है, हैं? भाई ये पुलिस के अंदर क्यों भर्ती हुए हम, जनता की सेवा करने के लिए? मुझे भी लगता है माता रानी हमें बार बार जानबूझ के हनुमान अंकल के पास भेज रही है। मतलब खत्री ने जो किया वो किया, बट ये बात बता कि उस टाइम हमें सपोर्ट किसने किया? हनुमान अंकल ने ना, तो इससे हमें पता चलता वो कितने अच्छे आदमी है। पूरी की पूरी चाय भी साथ में भेज दी। कोई नहीं, ले लो, बड़े दिल वाले हैं हम। का के काम हो गया भाई, वो सिखाता है लेकिन जो मैदान में उतरता है ना वो खिलाड़ी होता है। अरे वावी है, माना कि तू वीरवाणी का है पर इतनी वीर बनने की कोशिश ना कर। अब हम यहाँ नहीं रह सकते मिनी। नहीं भेज, मैं अपने हनुमान अंकल को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। पूछ ले तारी मम्मी से, ब्याह करेगी क्या हमारे साथ? कभी कभी तो मन खुद को लगता है कि यार हनुमान सिंह ये तो सही में डिजर्व करता है, मतलब तेरी बेब्स को। अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी आदमी है ना जो मेरी बेब्स को एक्चुअली डिजर्व करता है वो आप। कदमों के निशान तो पड़ गए छोरी, जिस दिल से तू छोड़ी ना जो सीढ़ी तारी मम्मी की अलमारी में रहती थी वो मंडप तक कैसे पहुंच गई? मैं छोरी भावड़ा था जो मैं सोचे थी फादर बनूंगा तेरा। नफरत है मुझे अपने अतीत से, आप छुटकारा दे दो मुझे मेरे अतीत से। एक बार शादी हो जाने दे तेरी माँ की, फिर देख कैसे कांटों से खटकती है तो अपनी माँ के मन में। Are you okay? मिनी तू ठीक है? So sorry यार मिनी, वो पता नहीं सीडी कैसे चेंज हो गई। I swear उसमें वो सीडी का कवर वही था, वो मैंने जब उसको खोल के देखा सच्ची वही था वो सीडी। पता नहीं, चुप रहे यार बॉबी, पता है मुझे तूने जानबूझ के नहीं किया। यार मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग।
क्योंकि मैं जानती हूँ तू ऐसा कर ही नहीं सकता है। यार दोस्त है यार, हम दोस्ती क्या जब ट्रस्ट ना हो। I trust you यार बॉबी, I trust you मिकी, I trust you ब्रीथ, It's all about trust यार। I really trust all of you, It is all about trust of Especially आज तो it's all about trust। देख तुझे अगर तेरे मन में जरा सा भी खटका है ना कि तेरे अरमानों पर मेरी शादी ना हो तो तू प्लीज बता दे। बोल दे छोरी। emotional drama for today sada sindhi batao oh aaj ke kadai jo aunty aana hai idhar ki unko scandalize karke rakh dena humne संपन्न हुए आप दोनों बैठ जाइए। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां प्रतदिया हृदयेश बुद्धि सद्धा सता कुल जना प्रभव शिलज्जा। अब आप वधू की मांग सिंदूर से भरी। मिनी मिनी कहाँ है? टेंशन मत ले, वो अपने दोस्तों के साथ है पीछे। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि। शादी की है तुझसे, ऐसे कैसे उसे दूसरी औरत छीन के ले जाएगी? भरोसा रख मुझ पर, बबीता के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। तू बस घर जा। शादी नहीं हुई है उनकी, कोई रिश्ता नहीं है उनके बीच में, पर उसके लिए तू अपनी गृहस्थी क्यों खराब करती? चल के अपना हाथ मार। आज तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया,
अब मैं फक्र से सबसे कहूंगा, अरे क्या हुआ अगर मेरी बहू की नौकरी छोटी है, उसका काम छोटा नहीं है। खबरदार अगर तूने उसके ऊपर हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगी मेरी ओना। मिनी को लेकर हनुमान पर तेरा भरोसा, कुछ तो होगा ना उस आदमी में कि तू माँ होकर भी उस पर इतना भरोसा करती है। इसीलिए कह रही हूँ बबीता, एक बार उसका मन टटोल कर देख। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें मॉरल सपोर्ट दे सके, क्यों ना कुछ समय के लिए हम उनके माँ बाप बन जाए। पापा जी अपनी आंखों के सामने अपने बहू पे अन्याय देखे पर चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से, मेरी मजबूरी को बहाना बना दिया। नफरत है मुझे अपने अतीत से, आप छुटकारा दे दो मुझे मेरे अतीत से। सब कुछ हमारे सामने था जी, फिर भी हम देख नहीं पाए। आप सही कहते थे जी, सब रिश्ते खत्म हो गए हमेशा के लिए, बबीता से भी और उसके साथ साथ मिन्नी से भी। नहीं बीजी, ऐसा नहीं है। पहले एक तो आप रोना बंद करो प्लीज, ओके? आपकी मिन्नी से कोई रिश्ता नहीं टूटा आपका, ना आपका दादू, और फिर आप ही कहते हो ना रिश्ते कागज की स्याही से नहीं दिल की रोशनाई से लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है हमारी गुड़िया शमी जी, बबीता की नई जिंदगी शुरू हो गई है। वो चाहे तो रिश्ते तोड़ सकती है, लेकिन हम मिन्नी के दादू बीजी हैं और हमेशा रहेंगे। दादू पर आप बेब्स के लिए मन में कोई गुस्सा मत रखना प्लीज। नहीं मिन्नी, कोई गुस्सा नहीं, अच्छा ही है कि इतने सालों के दर्द उभर कर सामने आ गए। अब खाली होकर वो अपनी जिंदगी तो जी पाएगी। सच कहूं मिनी, बबीता तेरे दादू की सबसे लाडली बहू थी, पर आज जब उसने कहा ना कि उसके मन में हमारे लिए कोई प्यार था ही नहीं, ये रिश्ते ये सब, और जो उसने हमारी सेवा की वो मजबूरी थी, वो झेलती रही हमें, तो बस सह नहीं पाए हम, और कुछ नहीं। मिनी लवली बू, आप लोग चार हो लवली बुआ? हाँ मिनी, पता नहीं कि फिर कभी तुझे देख पाऊंगी भी कि नहीं। ऐसे मत बोलो यार, मैं चाहे आपसे जितना लड़ लूं, हो तो आप मेरे बुआ ही ना। हमारा अपना तो कोई बच्चा है नहीं, पर हाँ तुझे देख लेते थे ना तो तसल्ली हो जाती थी। हाँ तो मैं हूं ना आपकी बच्ची, आती रहूंगी मैं तो भाई आप लोगों से मिलने। हाँ। क्या सच्ची लवली बू, आपकी कसम। हेलो, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ।
मिक्की बोल रहा था बेब्स की विदाई का टाइम है, वो ढूंढ रही है मुझे। मिनी तू जा अपनी माँ के पास, अपनी माँ के साथ रह बेटा। जा बेटा। मिनी कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही है। होगी कहाँ, इधर उधर कहीं होगी, अब आती ही होगी। मिनी तू कहाँ रह गई थी? बेब इधर ही थी, मैं पास में ही थी यहाँ पर। मिनी तू कहीं मत जाओ, मेरे साथ रह यहाँ पे। हाँ बेब इधर ही हूँ मैं। ओके रिलैक्स कर, डोंट वरी। दीदी आपकी विदाई हमारे घर से तो नहीं, आपके लगन मंडप से हो रही है। और मैं बिल्कुल आपके पीछे खड़ी रहूंगी, अपना आंचल फैला के। और आप ये चावल अपने सर के ऊपर से वार कर पीछे फेंकिएगा। अब आप घर से जा रही हैं, पर हमारा घर इस लक्ष्मी के जाने के बाद भी धन धान से भरा रहे। चल मिनी तू भी आ जा। अरे मिनी क्यों, अरे वो कहाँ छुट्टी जा रही है, वो तो अपनी माँ के साथ है। दो For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.